नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। और हम एक बार फिर से हाजिर हैं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। एक लेटेस्ट टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ्स की रिक्रूटमेंट आई हुई है, तो इसके बारे में हम बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे। काफी सारी अलग अलग वैकेंसियां हैं इसमें नॉन टीचिंग स्टाफ की भी, तो आप वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर से जरूर देखिएगा। और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट पाने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देख लेते हैं, इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो ये देखिए, ये है इसका डिटेल नोटिफिकेशन। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। ये है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर की तरफ से रिक्रूटमेंट आ रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स की तरफ से रिक्रूटमेंट है। ऑफिशियल वेबसाइट देखिए, lnipe.edu.in। तो यहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे आपको फ्लैश होता हुआ दिखाई दे जाएगा। एडवर्टाइजमेंट फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट 21/4/2020 को जारी किया गया है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। नोटिफिकेशन आपके सामने इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल हो जाएगा। जिस भी लैंग्वेज में आपको कन्वीनियंट लगता है आप यहां से नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। और डिटेल्ड नोटिफिकेशन के लिए आपको यहां क्लिक करना होगा। अप्लाई ऑनलाइन के लिए यहाँ, और ग्रुप बी और सी के लिए कुछ वैकेंसियां ऐसी हैं जिनके लिए आपको ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है, तो उनका एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं वैकेंसियों की डिटेल। वैकेंसियों की डिटेल कुछ इस प्रकार से है। तो ये है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट नोटिस फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट 21/4/2020 को जारी किया गया है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर की तरफ से। रिक्रूटमेंट आई हुई है LNIPE ग्वालियर के लिए और NERC गुवाहाटी की तरफ से। ये दो लोकेशन होंगी जॉब की। वैकेंसी की डिटेल देखिए, असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर के लिए है एक पोस्ट, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर के लिए चार पोस्ट है, गुवाहाटी के लिए एक पोस्ट है। इसी तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर की गुवाहाटी के लिए एक पोस्ट और भी है फिजिकल एजुकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर की। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर इन एक्सरसाइज फिजियोलॉजी ग्वालियर के लिए एक पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हेल्थ एजुकेशन ग्वालियर के लिए एक पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मेडिसिन फीमेल ग्वालियर के लिए एक पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजियोथेरेपी ग्वालियर के लिए एक पोस्ट है, यूनिवर्सिटी असिस्टेंट लाइब्रेरियन ग्वालियर के लिए एक पोस्ट है। नॉन टीचिंग पोस्ट देखिए, रजिस्ट्रार ग्वालियर के लिए एक पोस्ट, फाइनेंशियल ऑफिसर ग्वालियर के लिए एक पोस्ट, डिप्टी रजिस्ट्रार ग्वालियर के लिए एक पोस्ट, असिस्टेंट रजिस्ट्रार ग्वालियर के लिए दो वैकेंसियां। इसके बाद वैकेंसी है ग्रुप बी और सी की जो की है इस प्रकार से, और इनके लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट, अपर एज है 30 साल, एक वैकेंसी है। लाइफ गार्ड कम इंस्ट्रक्टर, मैक्सिमम एज 30 साल, एक वैकेंसी है। सुपरवाइजर बी एंड आर, मैक्सिमम एज 27 साल, एक पोस्ट है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, मैक्सिमम एज 27 साल, एक वैकेंसी है। स्टेनोग्राफर इंग्लिश, मैक्सिमम एज 27 साल, एक वैकेंसी। लेबोरेटरी असिस्टेंट एज 27, वैकेंसियां 3। आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर एज मैक्सिमम 27, वैकेंसी 1। सिक्योरिटी इंस्पेक्टर मैक्सिमम एज 27, वैकेंसी 1। लोअर डिविजनल क्लर्क मैक्सिमम एज 27, वैकेंसियां 5। लाइब्रेरी क्लर्क मैक्सिमम एज 27 और वैकेंसी 1। इसके बाद पंप अटेंडेंट की 4 पोस्ट और प्लम्बर की भी 2 वैकेंसियां यहां शामिल है। और जहां तक इनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात है, वो इनके डिटेल नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। ये टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए ये वैकेंसियों की डिटेल दोबारा से यहां दे दी गई डिटेल नोटिफिकेशन में, और यहां क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करा दी गई है। जिस भी पद के लिए आपको आवेदन करना है उसकी क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैसे जो क्वालिफिकेशन होती है वो होती है कंसर्न सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री, और उसी के साथ साथ आपका नेट क्लियर होना आवश्यक है। ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन है। बाकी के पदों के लिए क्वालिफिकेशन आप यहां से देख सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और जहां तक अप्लाई करने की अंतिम तिथि की बात है, वो है 30/5/2020। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों मोड में आपको 30/5/2020 तक ही अप्लाई करना है। जो ग्रुप बी और सी की पोस्ट है इनके लिए आपको ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है, और ग्रुप ए के जो पोस्ट है उनके लिए आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। तो ठीक है दोस्तों, यही जानकारी आप तक पहुंचानी थी वीडियो के माध्यम से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।